नमस्ते। और आज संडे था तो संडे की वजह से आज मैं और भी लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि सुबह तो फ्रेश मैंने सारा मॉर्निंग का काम करके मेरी वीडियो जो अपलोड कर दी थी मैंने, और उसके बाद में फ्रेश खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद मैं अब मैं नहाने धोने और थोड़ा सा मेरे बालों को मैंने डाई किया था आज, तो थोड़ा वक्त अपने लिए भी दे दिया आज। और अभी 3:15 हो चुकी है, तो किन्हें सोचा हो आज का दूसरा वीडियो शुरू किया जाए, क्योंकि संडे है आज और आज हमारे पास में बाइक भी है, क्योंकि बेटा छुट्टी पे है आज। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ शेयर करती हूँ आपके साथ में, तो बने रहिए वीडियो में। और फ्रेंड्स, पहली बार मेरे मेरे चैनल पे आप पहली बार हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। और फ्रेंड्स, हम सीवी गार्डन आ चुके हैं और इसे चार बाग भी बोला जाता है, पर यहाँ पर काम चल रहा है तो मेन गेट पर अभी ऐसे ही दिख रहा है। सीवी गार्डन के लिए भी है ना टिकट कटवाना पड़ता है। सीवी गार्डन में आ चुके हैं और यहाँ पर भी टिकट लेना पड़ता है, तो हमने ले लिया है और आपको दिखाएंगे पूरा आज का सीवी गार्डन, तो बने रहिए वीडियो में। ये ना जो मेरे पति देव और मेरी एक बेटी आई है मेरे साथ में, और बड़ी वाली बेटी तो आती नहीं है मेरे साथ में, वो पढ़ाई में बिजी रहती है। बच्चों के लिए ना जो जो ट्रेन चलती है तो इसकी लाइन इस प्रकार से लगी हुई है, और बच्चों को घुमाने के लिए बहुत ही अच्छा अच्छी है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, बच्चों के लिए बहुत ही शानदार जगह है ये। और सुबह सुबह तो फ्रेंड्स मॉर्निंग वॉक करने बहुत सारे आते हैं यहाँ पर। सीवी गार्डन को इसको चारबाग भी बोला जाता है, और यहाँ पर है जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे है ना फ्रेंड्स, बहुत मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत अच्छा है। और संडे के दिन तो सब अपनी फैमिली को बच्चों को लेकर आते हैं, क्योंकि गार्डन बहुत शानदार है। और अभी अभी चल ही रहे हैं, थोड़ा आपको बैक करके बता देती हूँ। और फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा गार्डन है ये। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग वॉक के लिए तो ना बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। और सुबह सुबह फ्रेंड्स बहुत सारे आते हैं यहाँ पर जो योगा वोगा भी करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी ये कोशिश रहती है कि जैसे मेरे कोटा के अंदर जो भी चीज़ होती है ना, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी, और इसी प्रकार से मेरे को सपोर्ट करते रहिए। जो सुंदरता देखो कितनी अच्छी है। और फ्रेंड्स, कोविड से पहले आई थी मैं, 2 साल पहले, तब इतना अच्छा नहीं था, और अब तो बहुत ही इसका लुक चेंज कर दिया गया है और बहुत शानदार लग रहा है। और धीरे धीरे मैं आपको पूरी चीज़ दिखाती जाऊंगी। और फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कर दिया, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आज देख के। और ये देखिए फ्रेंड्स, प्रकार से ये पता नहीं शायद खेलने के लिए है कुछ। बहुत सारी पब्लिक है यहाँ पर, और यहाँ का जो सीन है ना बहुत ही प्यारा है। और ये देखो जो प्लांटों को जो ट्री टाइप के, देखो कैसे अच्छे से इनका शेप दिया गया है। यहाँ पर जो सुबह सुबह मॉर्निंग में आते हैं ना, तो यहाँ पे क्या जिम का बना रखा है। तो फ्रेंड्स, मैं 2 साल पहले तो आती थी सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो यहाँ पर जिम के बहुत ही अच्छे हैं एक्सरसाइज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा कीजिए, यहाँ पर ये सुविधा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, सुबह आने का आनंद बहुत अच्छा है यहाँ पर, आराम से एक्सरसाइज भी कर सकते हो और घूम भी सकते हो। अभी तो करने का टाइम है नहीं है, इन्होंने तो कर लिया। तो जिम भी बहुत अच्छी है यहाँ पर, तो एक पंच दो काम सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी आओ, और जिम का भी बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स, एक बार मुझे ये हमारे साहब है ना जो बिना टाइम ही है ना एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी, और इस तरीके से है यहाँ पर। दो साल पहले आती थी ना, तो ये सारी जिम में करती थी, और ये ना सेहत के लिए बहुत ही है ना
बहुत ही अच्छी है। और दूसरी बात क्या फ्रेंड्स, यहाँ के अंदर जैसे सुबह ऑक्सीजन भी मिलती है, क्योंकि है ना यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा पेड़ पौधे हैं, तो एक्सरसाइज भी हो जाती है और शुद्ध वातावरण भी मिल जाता है। तो सुबह मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा है यहाँ का। सुबह मॉर्निंग पे यहाँ आते हैं ना, तो जैसे क्या होता है कि बहुत सारी भीड़ लगी रहती है, तो एक दूसरे का वेट करना पड़ता है कि जब खाली होगी तब हम बैठेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे अच्छा लगता था, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जिम का बहुत अच्छा बना रखा है। और ये मेरी बेटी देखो, ये बहुत ही अच्छा योगा है ये। और मैं तो आती थी 2 साल पहले, तो बहुत अच्छी इस तरीके से करके जाती थी, और आज 2 साल बाद चांस मिला है मुझे। फ्रेंड्स मैं आपको होने जो बहुत सारे मंकी दिखाती हूँ, और मुझे डर तो लग रहा है वैसे। मैं आपको जूम करके बता रही हूँ क्योंकि पास में भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे डर लगता है। और कुछ खाने की चीज़ खा रहे हैं ये, और फ्रेंड्स बहुत सारी तादाद में मंकीज हैं यहाँ पे। और ये देख लीजिए इन्हें, कुछ खाना खा रहे हैं, और भी फैमिली के साथ है अपनी। लग रहा था, और जस्ट मेरे पीछे देख लीजिए आप, इतने सारे मंकी है। और देखो इस प्रकार से छतरी बनी हुई है, और यहाँ का सीन बहुत शानदार लग रहा है। और फ्रेंड्स शायद इसमें शूटिंग भी हुई थी बद्री की दुल्हनिया की, पर मुझे इतना पता नहीं है कि कौन सी जगह हुई थी यहाँ पर। और फ्रेंड्स देखो कितना शानदार लग रहा है यहाँ पर, और मैं आपको पास से दिखाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये पुराने टाइम की है, पर अभी काम वाम तो सब हट चुके हैं, पर पेंटिंग हो रही थी इसके अंदर। और सीन तो बहुत मस्त लग रहा है यहाँ का, और सफाई बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी है। और देखो सब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं यहाँ पर। और अगर शांति से आप अगर बैठना चाहते हो, तो फ्रेंड्स इस गार्डन में आपके आके बैठ सकते हो। और योगा के लिए तो बहुत ही बेस्ट है फ्रेंड्स, मॉर्निंग में जब करते हैं तो। और देखो, और फ्रेंड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। और फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा है ये सीवी गार्डन, बहुत ही। और फिर से हरियाली इतनी मस्त है यहाँ पर कि बहुत गजब की। मैं आप लोगों को सभी से ये कहती हूँ, भाई प्लांट लगाइए, प्लांट लगाइए। तो फ्रेंड्स जैसे अभी छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी के दिन अपने बच्चों को अपनी फैमिली को घुमाने के लिए जैसे गार्डन है, कहीं भी जाते हैं तो प्लांट से ही तो हरियाली बनती है। तो इस चीज़ को आप भी समझिए, और अपने घरों में ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े पौधे लगाइए। तो फ्रेंड्स पौधे हमेशा ऑक्सीजन देते हैं, और घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है। तो मेरी सभी से यही अपील है कि अपने घरों में ज़रूर प्लांट लगाइए, और प्लांट लगाओगे तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है। इसमें अभी आपको थोड़ा थोड़ा सीन दिखाती जा रही हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का। और कह रहे ना फ्रेंड्स बहुत बड़ा है ये, इधर की तरफ और ही अच्छा लोकेशन आ रहा है यहाँ पर। देखो कितना शानदार जगह से बनाया हुआ है। और आगे का दृश्य और भी अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आगे बोटिंग करते हैं यहाँ पर, और ट्रेन भी चली रही है। और फ्रेंड्स ये जो ट्रेन है ना बच्चों की, तो ये पूरे घूमती है ये। और फ्रेंड्स यहाँ पर बोटिंग के लिए बनाया गया है, और देखो और यहाँ टिकट बनवाना पड़ता है, और इस प्रकार से यहाँ बोटिंग कर रहे हैं। सीन देखो आप कितना मस्त लग रहा है। और फ्रेंड्स पैरों से चलाना पड़ता है, बहुत मज़ा आता है।
और देखो कितने अपनी फैमिलियों के साथ कितने एंजॉय कर रहे हैं सब फैमिली वाले। और यहाँ का तो बहुत ही अच्छा है। और फ्रेंड्स कोटा आओ तो सी वी गार्डन जरूर आना, बहुत ही शानदार जगह है। तो इतना सीन इसका कितना व्यू अच्छा लग रहा है देखो इसका, यहाँ का कितना शानदार व्यू लगेगा तो देखिए। फ्रेंड्स फिर से बोटिंग आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर करते हुए, और बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। और फ्रेंड्स डर नहीं है यहाँ पर किसी चीज़ का, ज़्यादा गहराई में पानी है नहीं है यहाँ पर। और थोड़ा सा आपको जूम करके बताती हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब एक मंदिर भी है गणेश जी का, तो वो भी दिखाती हूँ आपको। तो सुबह मॉर्निंग में आओ तो आप दर्शन भी कर सकते हो, और दिखाती हूँ मैं आपको। पानी के साथ खेल रही है, और देखो सामने सूरज की किरणें आ रही है। और फ्रेंड्स देखते ही नज़ारा बहुत ही शानदार लग रहा है। ये गणेश जी का मंदिर है, अभी अभी इनके गेट लगे हुए हैं, यहाँ पे पुजारी नहीं है। और सुबह सुबह आओ तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर दर्शन भी कर सकते हो, सुबह तो नहीं जो इनके दरबार खुले रहते हैं। देखो मंकी और मंकी का बेबी है ना एक साथ बैठे हुए हैं दोनों, और मस्तियाँ कर रहे हैं दोनों। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो कितना अच्छा सीन है इनका देखो। और अपने बच्चे को उसने अपने पीठ पे ले लिया है, और देखो फ्रेंड्स। और इस बाग के अंदर बहुत सारे मंकी मिलेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ का सीन और भी अच्छा लग रहा है। और अभी आपको दिखाती हूँ जो ट्रेन है ना बच्चों की जॉय ट्रेन, वो इधर से निकलती है। और एक मंकी उदास से बैठे हुए हैं, ये देखो आपको जूम करके बताती हूँ। बच्चों की जो ट्रेन चलती है उसका तो उसका स्टेशन भी बना रखा है छोटा सा, वहाँ पर टिकट कटवाना पड़ता है। तो देखिए आप ट्रेन आ चुकी है बच्चों की, और ये स्टेशन पर यहाँ रुकेगी अभी। दिखा लूँगी और देखो इस प्रकार से बनी हुई है। और फ्रेंड्स ये स्टॉपेज आ गया है यहाँ पर, यहाँ पर जो टिकट बनवाना पड़ता है। और संडे के दिन तो बहुत ही ज़्यादा चहल पहल है, और सब अपने बच्चों को लेके आते हैं। ये देखिए कैश्ती के लिए निकल रहे हैं, यहाँ पर कैश्ती के लिए रास्ता है इधर से। दोनों हम ये कैश्ती पा चुके हैं, और ये जस्ट पीछे कैश्ती यहाँ पर। और यहाँ से मैं आपको पानी का सीन और अच्छे से दिखाती हूँ, थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ मैं आपको कैश्ती का। फ्रेंड्स ये कैश्ती है, और इसे किशोर तालाब भी बोला जाता है। और जग मंदिर आपको फ्रेंड्स मैं जूम करके दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स पास तो है नहीं, दूर से मैंने जूम करके दिखाया आपको। और इसके पीछे फ्रेंड्स जस्ट है ना जो सेवन बंडर्स है, उस दिन मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ का व्यू भी बहुत शानदार है।
और फिर आज संडे है तो सब अपनी फैमिली को लेके यहाँ पर आते हैं। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर ये अच्छा लगता है और बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। और फ्रेंड्स कोटा आओ तो केएसटी पे जरूर आना, किशोर तालाब सागर देख के जाना, तो यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार जगह है। और फ्रेंड्स यहाँ भी बोटिंग का है पर वो बोटिंग का देखो यहाँ पर जब गणेश जी विसर्जन के लिए, फ्रेंड्स मैंने जब गणेश जी स्थापना करती हूँ तो फ्रेंड्स मेरे को विसर्जन के लिए यहीं आना पड़ता है। और फ्रेंड्स उस दिन तो इतनी भीड़ रहती है यहाँ पर कि पैर रखने को भी जगह नहीं मिलती है। और देखो और आज फ्रेंड्स कल से सर्दी कम है तो मैंने सोचा क्यों ना आज घूमने का मूड बना ही लिया जाए और आप लोगों को कुछ नई कोटा की चीज़ें जितनी होती है फ्रेंड्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों को, आप लोग मुझे इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए तो मैं कोटा में जितनी भी अच्छी अच्छी जगह है वो आपको सब दिखाऊंगी। तो इतने सारे यहाँ पर बहुत सारे मंकी है और एक मंकी अपने बेबी को लेके अभी आ रहा है पास में। और फ्रेंड्स मुझे डर भी लग रहा है, छोटा सा बेबी है मंकी। इस प्रकार से यहाँ पर लोग बागों ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा रखी है और संडे के दिन जो ये पूरा ओपन रहता है, खुला हुआ होता है, क्योंकि और दिन तो 4 बजे तक गेट बंद कर देते हैं क्योंकि खुला नहीं रहता है यहाँ पर। और यहाँ का सीन तो देखते ही बनता है फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार चीज है। फरवरी के अंदर यहाँ पर है ना जो फुलवारी लगती है और वो बहुत शानदार लगती है। और फ्रेंड्स 2 साल से लग नहीं पा रही है क्योंकि कोविड की वजह से नहीं लग पाई थी। और फ्रेंड्स उस टाइम तो बहुत ही है ना, बहुत ही अच्छे से लगता है यहाँ पर और सभी प्रकार के वैरायटी के फूल वगैरह सब लेते, सब लगाते हैं यहाँ पर। और उस टाइम का नज़ारा अगर इस साल लगेगा ना तो फ्रेंड्स मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि जो फुलवारी लगती है ना फ्रेंड्स उसमें इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी के फ्लोवर रहते हैं, बहुत ही शानदार लगता है यहाँ पर। तो जो ट्रेन बीच में पता नहीं क्यों रुक गई है, कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है इसके अंदर, तो दिखाती हूँ फ्रेंड्स आपको पास से क्या प्रॉब्लम हुई है इसके अंदर। जैसे होती तो नहीं है वैसे अच्छी चलती है पर आज कुछ लग रहा है इसके अंदर कुछ हो चुका है, शायद कुछ मिस्टेक हो चुकी है। और फ्रेंड्स ट्रेन ठीक हो चुकी है और अभी अभी दिखाऊंगी, मेरे आगे से निकलेगी अभी। ट्रेन ठीक हो चुकी है और अब चलने के लिए रेडी है। और फ्रेंड्स हम थोड़ा सा आपको आगे तक ले चलते हैं क्योंकि थोड़ा कवर करके दिखाएंगे। और फ्रेंड्स ट्रेन चल चुकी है और फ्रेंड्स धीरे धीरे ट्रेन आ रही है। और फ्रेंड्स इस प्रकार से देखो अपनी फैमिली के साथ कितने एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, जो रिश्तेदार थे ना जो गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं। और फ्रेंड्स 2 साल से तो कोविड आ चुका था तो कोई आ ही नहीं पाया, तो इस वजह से हमारा आना भी नहीं हुआ। और फ्रेंड्स जब आते हैं तो फिर उनके बहाने हम यहाँ आ जाते हैं घूमने, पर वो आ नहीं पाए तो हमने सोचा कि ना हम खुद ही चले आज आप लोगों को दिखाया जाए कुछ यहाँ का सीन। से गर्मियों के सीज़न में जैसे अभी आप केएसटी दिखाई थी आपको, तो फ्रेंड्स केएसटी पे शाम का सीन जो देखोगे ना आप तो मतलब रोशनियों से जगमगा जाता है और बहुत शानदार लुक लगता है वहाँ का। और अभी काफ़ी लोगों की भीड़ बढ़ चुकी है, अपनी फैमिली को ले लेके आए हैं, तो मेरे पीछे देखना आप कितने सारे। और फ्रेंड्स कोटा आओ तो शिवी गार्डन जरूर आके जाना। ओके झूले हैं और अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके इन्हें जो एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी भीड़ लगी हुई है और यहाँ का सीन तो देखते से बन रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार लग रहा है। और फ्रेंड्स हमारे जब बच्चे छोटे थे तब हम भी आते थे इस प्रकार से अपने बच्चों को ले लेके, तो अभी बड़े हो चुके हैं और आप लोग आओ तो फ्रेंड्स जरूर आना अपने बच्चों को लेके यहाँ पर घूमने।
रहे हैं सब। बस अब थोड़ा बहुत जितना था मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश करी है। और फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जो मैं चीज़ दिखाती हूँ तो वो आपको पसंद आती कि नहीं आती। तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स मैं इस प्रकार से आपके लिए कोटा में बहुत सारी जगह है देखने लायक वो आपको दिखाती रहूँगी। और फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करते रहिए। और चलिए यहाँ का देखो व्यू कितना शानदार लग रहा है। देखो यहाँ का और यहाँ का जो लुक दिया गया है ना बहुत ही शानदार लुक दिया गया है पौधों को कटिंग करके। तो फ्रेंड्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं अब। और फ्रेंड्स शाम के टाइम यहाँ पर साउंड भी बजता है बहुत शानदार लगता है। इस प्रकार से यहाँ बैठने के लिए भी बना रखे हैं। और देखो फ्रेंड्स और ये स्टार्ट का ही सीन है। और देखो फ्रेंड्स बहुत ही शानदार लुक है बहुत ही प्यारा गार्डन है ये देखो। और हरियाली तो फ्रेंड्स यहाँ की देखती ही बनती है बहुत शानदार। और फ्रेंड्स थोड़ी दूर और है बाहर निकलने में। और फ्रेंड्स जब मैं इस तरह से घूमने आ जाती हूँ ना फ्रेंड्स तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। और फ्रेंड्स क्या है कि देखो जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं तो थोड़ा वक्त अपनी फैमिली को भी देना चाहिए। तो जिस प्रकार मैंने आपको दिखाया था कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो अपने बच्चों को लेकर एक दिन का टाइम देना भी चाहिए। और ख़ास तौर पर फ्रेंड्स जो जॉब करते हैं उनको तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता उनको लिए तो सिर्फ संडे ही मिलता है। और फ्रेंड्स आप ट्रेन निकल रही है। और फ्रेंड्स इस ट्रेन में बड़े भी बैठते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स ये पूरे गार्डन में घूमती है एक गार्डन से दूसरे गार्डन और है जस्ट बगल में उसमें भी जाती है ये। तो इतना शानदार है यहाँ का व्यू तो इतना सुंदर लग रहा है बहुत ही गजब का। इस गेट आने वाला है और अब निकलने वाले हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको एक लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगी कि देखो फ्रेंड्स प्लांट होते हैं पौधे होते हैं तो उनके इतने बेनिफिट है कि बड़ी बड़ी जो बीमारियाँ होती है तो वो भी अगर इस वातावरण में आकर थोड़ा सा भी व्यायाम योगा कर लेते हैं ना फ्रेंड्स उससे सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती है। तो पौधे और प्लांट वगैरह जितने भी हैं ये ऑक्सीजन का स्रोत है और इनको देख के मन बहुत प्रसन्न होता है। तो फ्रेंड्स मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि आप लोग भी अपने घरों में कोशिश हो ना तो जितने भी हो सके अपने घरों में प्लांट लगाइए। तो फ्रेंड्स मैं मेरे अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो ज़रूर लगाना। फ्रेंड्स मैं बार बार इसी चीज़ को यूँ दोहरा रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स क्या है कि अगर वन नहीं रहेंगे और प्लांट नहीं रहेंगे तो फ्रेंड्स जीवन में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स प्लांट तो जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप भी लोग भी इस प्रकार से अपने घरों में प्लांट लगाइए क्योंकि सब लोग गार्डन में क्यों आते अपनी बच्चों को अच्छा माहौल दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स पेड़ पौधों से हमेशा अच्छा माहौल बनता है। और फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही है। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू बाय बाय।